सितंबर 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दी है। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 19 नवंबर से 10 दिसंबर तक भरे जाएंगे, जबकि परीक्षा का आयोजन 1 जनवरी से 19 जनवरी तक किया जाएगा। यहाँ पे देखिए 19 नवंबर से 10 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, फीस अप्लाई करने का 11 दिसंबर तक, एंड जनरल के लिए फीस रखी गई है 1150, और EWS OBC NCL के लिए 600 रुपये, SC ST कैटेगरी के लिए 325 रुपये फीस रह रखी है। जिसने UGC नेट का फॉर्म भरेंगे उसकी फीस रखी है। नेशनल टेस्ट एजेंसी NTA ने UGC राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा दिसंबर 2024 क्षेत्र का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए सभी पुरुषों और महिला अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन किए गए हैं, और UGC नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 नवंबर से शुरू हो गए हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर गई। UGC नेट ने दिसंबर के लिए परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन CBT मोड में 1 जनवरी से 19 जनवरी तक किया जाएगा। इसमें सब्जेक्ट वाइज परीक्षा शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन 12 दिसंबर से 13 दिसंबर तक कर सकते हैं। इस बार UGC नेट परीक्षा 53 के बजाय 85 विषयों में होगी। इस बार डिजास्टर मैनेजमेंट और आयुर्वेद बायोलॉजी 2 नए विषय जुड़ गए हैं। आगे जानते हैं क्या क्या दिया गया है UGC नेट में। 2 विषय और जोड़ रखे हैं, जिसमें देखो डिजास्टर मैनेजमेंट एंड आयुर्वेद बायोलॉजी विषय शामिल कर दिए गए। देश भर के विश्वविद्यालयों में और अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं में जूनियर प्रोफेसर, फेलोशिप एवं असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता को PhD में प्रवेश के लिए UGC नेट परीक्षाओं का आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाता है। इसी वर्ष UGC नेट स्कोर का इस्तेमाल PhD डिग्री कोर्स में दाखिला के लिए भी होने लगा है, और UGC नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 नवंबर से 10 दिसंबर तक भरे जा सकते हैं, और आवेदन की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर तक है, और उसके बाद आवेदन फॉर्म संशोधन 12 से 13 दिसंबर तक रखे गए हैं। आगे क्या डिटेल दे रखी है, संशोधन की तिथि आपने मैंने पहले ही बता दी है, 12 से 13 दिसंबर तक रखी गई है। UGC नेट आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए अभ्यर्थी के लिए आवेदन शुल्क 1150 रुपये, AWS OBC वर्ग के लिए 600 रुपये, अनुसूचित जाति जो SC ST जिनके लिए 325 रुपये रखे गए हैं, और अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। आगे जानते हैं आयु सीमा क्या दे रखी है। आयु सीमा का असिस्टेंट प्रोफेसर PhD में एडमिशन के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं रखी गई है, लेकिन JRF के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष तक होनी चाहिए, और इसमें आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के अनुसार की जाएगी। सभी आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमानुसार अधिक आयु की छूट दी जाएगी। UGC नेट क्वालिफिकेशन की योग्यता क्या दे रखी है, देखते हैं। क्वालिफिकेशन के अंदर है अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से संबंधित विषयों में मास्टर डिग्री या समकक्ष परीक्षार्थी न्यूनतम 55% अंकृष्ट का उत्तीर्ण होना चाहिए, जबकि OBC SC ST दिव्यांग एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 50% है। इसके अलावा मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमांक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत कर रहे हैं अभ्यर्थी जिनका परीक्षा परिणाम अभी तक जारी नहीं है, वे भी आवेदन कर सकते हैं। UGC नेट
परीक्षा शिक्षण योग्य की विस्तृत ऑफिशियल नोटिफिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे पीजी बोलते हैं, जिसमें होते हैं एमए वगैरह शामिल होती है ना, ये डिग्री हो रखी है, वो इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। आगे देखते हैं यूजीसी नेट चयन का क्या प्रक्रिया है। यूजीसी नेट चयन के लिए क्या प्रक्रिया है? यूजीसी नेट में दो पेपर आयोजित किए जाएंगे। दो पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पित प्रश्न होंगे और इनके बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। प्रथम पेपर 100 नंबरों का, दूसरा पेपर 200 नंबरों का होगा। दोनों पेपर का हल करने के लिए 3 घंटे समय मिलेंगे और प्रथम पेपर में 50 प्रश्न होंगे। उम्मीदवार को शिक्षण शोध आयोग के आकलन करेंगे और इसे मुख्य रूप से उम्मीदवार की तर्क क्षमता, पढ़ने की समझ, विभिन्न सोच और सामान्य जागरूकता का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किए जाएंगे। और दूसरे पेपर में 100 प्रश्न होंगे। उम्मीदवार द्वारा चुने गए विषय से संबंधित पेपर में प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा रहेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाएगी। सेकंड पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाएगी। इस पेपर में सामान्य और ईडब्ल्यू श्रेणी के अभ्यर्थी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 40% अंक तो लाना ही होगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया। जेएनटी अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य। ये दो पेपर होंगे, आपको पता लग गया ना। और क्या दे रखा है इसमें जानते हैं। यूजी नेट आवेदन प्रक्रिया, अभ्यर्थी को सबसे पहले यूजी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट का जाना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट भी जाना। इसके बाद यूजीसी नेट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरा देख लेना और इसकी पात्रता को सुनिश्चित करना। और बाद जो अभ्यर्थी यूजी नेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसे यूजी नेट दिसंबर 2024 के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सभी दिशा निर्देशों को पढ़कर प्रोसेस पर क्लिक करना होगा। मतलब पहले से जिसका फॉर्म भरा हुआ है ना, वो डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद जो डिटेल सही होगी उसको प्रोसेस पर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या डिटेल होगी, ये आवेदन करने की प्रक्रिया, इसको ध्यान से पढ़ना होगा आपको। यदि आप मोबाइल से कर रहे हो, किस से कर रहे हो, तो इसको प्रोसेसर को पढ़ना होगा। यूट्यूब पर वीडियो भी देख लेना, ऐसे मत करना कि गलतियां बहुत हो जाती है जिससे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसके बाद अपने आधार कार्ड नंबर डालना और OTP साइट की वेरिफिकेशन करना। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में OTP वेरिफिकेशन करना। आप डिजी लॉकर अकाउंट पर ABC ID का पैन कार्ड पासपोर्ट से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन फॉर्म पूछी गई जानकारी सही से भरनी होगी। आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद ही सबमिट करें। सही जानकारी भरने के बाद सबमिट करना है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर की सहायता से आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। फॉर्म भरने के बाद जो डिटेल भरने के बाद वापस लॉगिन करना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर पर OTP वेरिफिकेशन आएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। OTP वेरिफिकेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी और शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी सही भरनी होगी। अपने आवश्यक दस्तावेज मतलब फिर से लॉगिन करके जो डिटेल पूछी हुई है उसको भरना होगा ठीक से। समझ रहे हो, होता है अक्सर। पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और उसमें बाकी की डिटेल पूछी जाती है, पहले बेसिक डिटेल पूछी जाती है। इसमें क्या दे रखा है, इसके बाद पूछी गई जानकारी शैक्षणिक योग्यता सही सही भरनी होगी। दस्तावेज का पासपोर्ट फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा, पासपोर्ट फोटो। इसके बाद भी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। फिर अंत में आवेदन का प्रिंट आउट निकाल कर शैक्षणिक रखना होगा, मतलब सॉरी यार सुरक्षित रखना होगा ध्यान से, और ताकि भविष्य में इसे काम में लिया जा सके। ये बेसिक डिटेल है जिसको हम देखेंगे। यूजी नेट दिसंबर चेकिंग आवेदन, तो आपको मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ, आवेदन शुरू हो चुके हैं 19 नवंबर से। आवेदन की अंतिम डेट 10 दिसंबर।
और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसको ध्यान से पढ़ना होगा। बेसिकली मैंने इसमें बता दिया कुछ चीज़ें, फिर भी आपको नोटिफिकेशन क्लियर रूप से पढ़ना होगा। इसमें कुछ चीज़ें मेंशन नहीं की हो सकती है। आवेदन के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ से आवेदन करो, यहाँ से क्लिक करके आप सीधे वेबसाइट पे UGC नेट वेबसाइट पर चले जाओ, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में लॉगिन करना होगा। लॉगिन के बाद बेसिक डिटेल फिल करके आपको सारे डॉक्यूमेंट डिटेल फिल करने के बाद फीस पेमेंट करने के बाद सबमिट हो जाएगा आप। और ये लिंक पाने के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, जहाँ पे मैं बेसिक रूप से नोटिफिकेशन डालते रहता हूँ, वहाँ पे इसका लिंक मिलेगा, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।